कुकी। कुकी। जैसे कि आप देख रहे हो अभी यहाँ पे बज चुके हैं, मतलब 5 बजने के लिए अभी टाइम बाकी है और सैरी का टाइम है यहाँ पे 4:56 पे। तो अभी और थोड़ा टाइम है मेरे पास, तो मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। सैरी के टाइम पे अगर आप ज़्यादा कुछ खा नहीं पाओगे तो आप जस्ट थोड़े से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हो। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और दही अगर आप खाना चाहते हो तो डेफिनेटली खा सकते हो, बिकॉज़ गर्मियों के दिन है तो दही हमारे प्यास को बढ़ाएगा नहीं, प्यास को अच्छे से मेंटेन रखने में हेल्प करेगा। उसमें अगर थोड़ा सा आप इलायची डालते हो ना तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करता है। समर डेज में आप डेफिनेटली दही और थोड़ा सा इलायची डाल के उसको खाना प्रेफर करें, इससे आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी पूरा दिन और फुल्ली आप हाइड्रेटेड फील करोगे। और पानी शाम से लेके, इफ्तार से लेके सहरी तक जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा पिए, बिकॉज धूप इतनी है कि बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो इसीलिए आप पानी ज़्यादा पिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखे। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी यहाँ पे और रोज़ा पकड़ लूँगी, ठीक है। शाम की इफ्तारी में मैं आज दाल वड़ा बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं दाल भिगोने डाल दूँगी अभी। और अभी और टाइम है मेरे पास, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी पीती रहूँगी। और जैसे कि आपने देखा मैंने बहुत लाइटली खाना लिया था, मतलब सैरी किया है, एक चपाती लिया था मैंने, और जो मैंने कल भिंडी की सब्ज़ी शाम में बनाई थी वही मैंने सब्ज़ी खाई है, बिकॉज मैं दही और अंडे लाना भूल गई हूँ। तो देखती हूँ अगर आज मुझे पॉसिबल होगा बाहर जाना तो मैं आज डेफिनेटली लेके आऊँगी, बिकॉज सैरी में अगर अंडा हम खाते हैं तो वो फुल रखता है हमको। वैसे भी गर्मियों के दिनों में इतना ज़्यादा सैरी नहीं होता है और ना ही हम लोग खाते हैं इतना ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी का ही इंटेक करते हैं, तो इतना ज़्यादा भूख का एहसास नहीं होता बट पानी का होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आप दही लेते हो सैरी में तो डेफिनेटली आपको पानी का भी एहसास नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो एक ट्राई करना। मैं वही करती हूँ बट मैं कल दही लाना भूल चुकी हूँ, तो देखते हैं आज शाम में अगर जाऊँगी बाहर या फिर अगर पॉसिबल होता है तो मैं लेके आऊँगी। तो आज शाम का तो प्लान वही है, दाल वड़ा मैं बनाऊँगी, तो उसके लिए मैं पहले दाल को भिगोना पड़ेगा, उसको कम से कम 7-8 घंटे वो दाल भिगनी चाहिए, उसके बाद ही वड़े बहुत अच्छे से बनते हैं। तो उसका प्रोसीजर मैं आपके साथ इस वीडियो में नहीं, मेरे दूसरे चैनल की वीडियो पे, दूसरे चैनल पे मैं उसको अपलोड करूँगी, तो वो भी चैनल आप सब्सक्राइब करना। और मेरा दूसरा चैनल का नाम है वो है स्टे फूडी विद नौश, ठीक है, तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज डालती हूँ, सिंपल ही रहती है, इतने ज़्यादा मैं यूनिक कुछ रेसिपीज़ नहीं डालती हूँ, हाँ बट थोड़ा सा तरीका अलग रहता है हर किसी का बनाने का, तो वही तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो चैनल भी आप डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, वहाँ पे भी आपको अच्छे सिंपल रेसिपी आपको मिलेंगे। तो ठीक है, तो अभी मेरा ऑलरेडी टाइम हो चुका है, आई थिंक इट्स 4:50, तो अभी और 6 मिनट है, तो चलो 6 मिनट
और हम लोग यूज़ कर लेते हैं पानी पीने के लिए या फिर कुछ भी और, ठीक है। तो मैं रोज़ा पकड़ के आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे बज चुके हैं 5:05 कम है, तो ऑलमोस्ट मेरा टाइम हो चुका है। मैं मोबाइल के हिसाब से टाइम पकड़ूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं बालकनी से व्यू दिखा देती हूँ, 5 बजे का सीन है, देख सकते हो आप कितना अंधेरा है यहाँ पे, फुल अंधेरा है। आसमान भी पूरा काला दिख रहा है, दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, यहाँ पे पूरा अंधेरा ही है तो क्या दिखेगा। आफ्टर अभी जैसे जैसे उजाला होता रहेगा, सन जैसे जैसे बाहर रहेगा, वैसे वैसे यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये है मेरे प्लांट्स भी आपको दिख नहीं रहेंगे यहाँ पे, बिकॉज मैंने लाइट भी ऑन नहीं किया बाहर का। मेरा ब्लॉग बहुत ही सिंपल रहेगा, बहुत ही बेसिक रहेगा। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे सपोर्ट करना। और कल का वीडियो, ये वाला जो वीडियो है जो मैंने पहले अपलोड किया, आई थिंक वो आपको अच्छा लगा हो। ये मेरा सरप्राइज जो मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है, वो भी आपको पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ कॉमेंट में मुझे डेफिनेटली आपके फीडबैक शेयर करना। मैंने दाल भिगा दी है अभी, इसको हम रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए, उससे भी ज़्यादा होंगे, बिकॉज देखिए शाम में 5:30-6 बजे मैं इसको बनाऊँगी, तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम होता है, 10-12 घंटे, 10-12 घंटे तो ईजीली ये बिक जाएगी, ठीक है। तो शाम में इसको मैं अभी इसको ढक के रख देंगे, हम शाम में यूज़ करेंगे। तो रोज़ा मैंने पकड़ लिया है, अभी मैं कुरान पाक पढ़ूँगी इंशाल्लाह, उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी और फिर मिलते हैं। आई थिंक मैं थोड़ा सा लेट ही उठूँगी, उठने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो गुड मॉर्निंग, सो अभी बज चुके हैं 9:30 या 10:30। मैं उठ चुकी थी बहुत जल्दी ही, मतलब 9 बजे ही मैं उठ गई थी, जल्दी ही 9 बजे उठ गई थी मैं। फिर मैंने फ्रेश होना पूरी थी, मैं नहा लिया मैंने, अभी मेरे घर के काम बाकी है, जैसे कि कपड़े वॉश करने मेरे को। पहले तो मैं भिगाऊंगी कपड़े, फिर दोपहर को मैं देखूंगी इसको वॉश करने का, उसके बाद मुझे बर्तन करने हैं, फिर थोड़ा सा क्लीनिंग करना है घर का, तो वही सारी आज चीज़ें हैं। और साथ ही अगर मैं कहीं जाऊंगी तो उसका भी मैं शूट करूंगी, ऐसे तो सच कुछ आज प्लान नहीं है, देखते हैं। इफ्तारी का तो मैं घर पे ही करूंगी आज, और आज है संडे, और कल का जो ब्लॉग मैंने शूट किया है उसका आज मुझे एडिटिंग करना है, आज उसको लाइव करना है। अगर उस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता रहेगा व्लॉग्स पे, तो डेफिनेटली व्लॉग्स को कंटिन्यू करूँगी। और लेट्स सी आज के क्या क्या काम है और कैसे मैं करती हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं फ्रेश होना भूली हूँ, यहाँ पर मैंने कुर्ता पहना है आज, बहुत टाइम के बाद मैंने कुर्ता पहना है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, वो आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो चलो घर के काम करने में आप मेरी मदद करो, ओके। कुछ पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, आई थिंक रोज़ अभी लग चुका है, पता नहीं या क्या समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। जो भी काम था मेरे हस्बैंड ने ही सारा कंप्लीट किया है, बर्तन भी उसने ही किए आज, मैं रेस्ट ही ले रही हूँ। और एक काम था, हम लोग जाके आए, आई थिंक वो धूप की वजह से मेरे को ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। कल भी हम लोग बहुत टाइम तक धूप में थे, और आज भी हम लोग धूप में जाके आए, तो उसी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, आई थिंक धूप की वजह से ही। तो मैं रेस्ट ही कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो अभी तो जोर का टाइम भी हुआ है, तो अभी मैं नमाज़ और कुरान भी पढ़ लूँगी, तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आई थिंक मैं शाम में ही मैं व्लॉग शूट करूँगी, एज सच इतना कुछ काम नहीं है मुझे, बाकी सारे काम तो हो चुके हैं। लेट्स सी क्या है, अभी एक दो पार्सल भी मेरे रिसीव होने वाले हैं, तो देखेंगे अगर वो आता है तो उसका अनबॉक्सिंग करूँगी, या अगर नहीं आया तो डेफिनेटली कल या परसों के ब्लॉग में आपके साथ वो मिल जाएगा आपको। और साथ ही जो कल डीमार्ट का सामान मैंने लाया था, वो भी अभी तक तो कुछ मैंने सॉर्ट नहीं किया है, तो वो वैसे ही बैग अभी तक पड़े हुए हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा मुझे बेटर लगेगा तब मैं उसके बाद वो चीज़ें सारी सॉर्ट करूँगी।
देखते हैं इफ्तार में भी मैं क्या बनाऊंगी, तो सारी चीज़ सबके साथ शेयर करती रहूंगी। तो चलो अभी जोहर का टाइम हुआ है, दिगर बन चुका है अभी ऑलरेडी, तो मैं जोहर की नमाज पढ़ लेती हूँ और कुरान शरीफ भी पढ़ लेती हूँ इंशाल्लाह। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे शाम में, अभी थोड़ा सा नैप वगैरह लेके आपसे मिलती हूँ। बाय। हो चुका है ये, आई एम सो हैप्पी। अभी मेरा पार्सल रिसीव हुआ है purple.com से, तो इसका अनबॉक्सिंग मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा सोऊंगी और थोड़ा सा नैप लेके मैं आपसे शाम में मिलती हूँ। शाम का असर की नमाज वगैरह पढ़ के ही मैं आपसे मिलूँगी इफ्तारी के टाइम पे। अभी हो चुके आई थिंक 5:45 हो चुके हैं और मैं अभी आई हूँ बालकनी में। बहुत ही अमेजिंगली क्लाइमेट हो चुका है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। और आई थिंक बारिश होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है, तो अभी और ज़ोर से गिरेगी शायद से, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो अभी कि बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी हो चुका है आसमान, और मतलब अभी बादल भी गरज रहे थे, तो बारिश आएगी इंशाल्लाह, देखते क्या होता है। और क्लाइमेट भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हो चुका है अभी, देखते पता नहीं क्यों ये वेदर ऐसे हो रहा है, कभी धूप है तो कभी बारिश है, इसके वजह से ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। देखिए यहाँ कितना, यहाँ पे इस साइड में कितना काला हो चुका है, तो बारिश डेफिनेटली आएगी। यहाँ पे मेरी दाल वड़े की प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए, उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तब तक मैं बनाऊँगी, अभी मैं बनाऊंगी शरबत बनाऊंगी, मैं अभी नींबू का शरबत बनाऊंगी, उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स में कट करूंगी। अभी इफ्तारी का मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, तो अभी तो दाल वड़े का मैंने प्रिपेयर तो करके रख दिया है, उसको डीप फ्राई करूंगी मैं और शरबत बनाऊंगी, फ्रूट्स कट करूंगी, फिर इफ्तारी में कुक करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे दाल वड़े रेडी हो चुके हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है,
हमारे दाल वड़े बन के रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही क्रिस्पी और करारे हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत ही क्रिस्पी और करारे बन चुके हैं और ऑलरेडी मुझे टेस्टिंग आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये। और अभी तो हमारा इफ्तारी का ऑलमोस्ट सब रेडी हो चुका है, तो यहाँ पे मैं एक मेयोनीज और केचप का एक डिप बनाऊंगी, तो वो कैसे बनाते मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। अभी मेरा इफ्तारी का प्रिपरेशन हो चुका है और अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट रेस्ट लूँगी, अभी बहुत टाइम है बिकॉज़ अभी बज चुके हैं 6:30 और 6:44 को रोज़ा खुलने वाला है, इफ्तार है। तो तब तक मैं थोड़ा सा मतलब ऑलरेडी मैं फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है यहाँ पे, और थोड़ा सा दुआ करूँगी फिर इफ्तार को थोड़ी देर। सो यहाँ पे मेरी इफ्तारी रेडी हो चुकी है, यहाँ पे खजूर, यहाँ पे फ्रूट्स ग्रेप्स है और चिक्कू है, यहाँ पे मेरे दाल वड़े रेडी हो चुके हैं, ये डीप बनाया मैंने एक मेयोनीज और केचप का, और यहाँ पे हमारा शरबत। सो अभी मैं इफ्तार करके आपसे मिलती हूँ। तुमने बताया नहीं तुमको कैसे लगे ये वड़े? अच्छे बने। पक्का अच्छे बने? तो ये हमारे दाल वड़े, ये डीप मैंने बनाया था और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं वहाँ पे इसका रेसिपी अपलोड कर दूँगी, तो आप डेफिनेटली ट्राई करना अपनी इफ्तारी में। चाय ना हो तो मज़ा ही नहीं, तो इसलिए मैंने अभी रात के 9:30 बज चुके हैं, मैं आपको टाइमिंग भी दिखा दूँगी। तो अभी टाइम हो चुका है 9:30 और मैं 9:30 बजे मेरा फेवरेट सीरियल देखते हुए मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ विथ दिस केक, जो मैंने शहरी में भी खाया था, तो मैं ये केक के साथ अपना चाय एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। हुआ तो आज मैं बाहर जाऊँगी नाइट आउट के लिए, इन द सेंस कि ऐसे ही थोड़ा सा घूमने के लिए हम जाएंगे। बाहर जाऊँगी तो डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूँगी वो भी, अगर जाऊँगी तो, अदरवाइज़ नहीं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी, अगर मैं बाहर नहीं गई तो, अगर जाती हूँ तो डेफिनेटली वो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलो मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। कि मैं नाइट आउट के लिए जा रही हूँ, मतलब अभी बज चुके 11, तो नाइट आउट मतलब इतना ज़्यादा नाइट आउट नहीं है, हम लोग बस कुछ खा के पी के वापस घर आएंगे। हम निकल चुके हैं और अभी बज चुके हैं रात के 11:15 और 11:15 बजे हम अभी जा रहे हैं खाने के लिए, देखते हैं मिडनाइट क्रेविंग हमको कहाँ तक लेके जाती है। सो लेट्स सी। कुकी 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 कुकी, देखते हो रात का नज़ारा, फुल लाइट्स ऑफ है यहाँ पे, यहाँ पे हमारा जो सोसाइटी का कुत्ता है वो यहाँ पे बैठ चुका है, ठीक है। तो दिस इज़, ये है नाइट का सीन, अभी हम निकल रहे हैं। अब में से कई लोग होंगे जिनको नाइट आउट करना बहुत पसंद होगा, तो रात में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लगता है घूमना, बहुत ही ठंडा क्लाइमेट हुआ था बिकॉज़ बारिश इतनी होके गई थी संडे को, तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट था। और रात के 11:30-12 बजे भी ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने वाले भी लोग बहुत थे, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं डेक्कन जिमखाना के पास, और यहाँ पे लेट नाइट 2 बजे तक यहाँ पे चाइनीज़ आपको जो चाहिए वो यहाँ पे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने मंगाया था मसाला पापड़, एक पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी और हमने बटर नान लिया था, उसके बाद हमने ज़ीरा राइस वगैरह खा के थोड़ा बहुत हमने इन्जॉय किया। फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे चाँद दिख रहा था, मैंने उसको थोड़ा बहुत शूट किया, वापस हम लोग घर के लिए निकले हैं। और घर पहुँचते पहुँचते हमको बज चुका था 1:15, तो बहुत एंजॉय किया हमने।
रीच होम गाइस। अभी बज चुके 1:15 और हम निकले थे घर से 11:15 बजे, तो 2 घंटा हमको लगा। मैं आपको टाइम दिखाती हूँ कि कितना बजा एग्जैक्टली। अभी आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली 1:15 बजे हम लोग घर पहुँच चुके। ये था आज के व्लॉग में, और जो भी पार्सल्स मुझे आए हैं purple.com से, तो उसका अनबॉक्सिंग मैं कल करूँगी। और जो ग्रॉसरी मैंने लिया था डीमार्ट से, उसका भी मैंने कुछ सॉर्टिंग नहीं किया, वो भी मैं कल करूँगी कल के व्लॉग में। तो आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी अलग अलग वीडियोज़ के साथ, ब्लॉग्स के साथ मैं आपसे मिलती रहूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड गुड नाइट।